नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ग्रिड टेक्निक से या ग्रिड मेथड से किस तरह से हमें ड्राइंग करनी होती है। तो मैंने एक पिक्चर पर मोबाइल ऐप के थ्रू ग्रिड बना लिया है। आप कोई सा भी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं ग्रिड मेकिंग का। ग्रिड मेकिंग के काफ़ी सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने ड्राइंग को अगर ग्रिड के थ्रू बनाना चाहते हैं तो किसी पिक्चर को आप एक ग्रिड लाइन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम अपनी ग्रिड को तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से मैं एक एक इंचेस का ग्रिड बना रहा हूँ। जो पिक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ग्रिड को पेपर पर पहले तैयार करना है। तो ग्रिड को हमको लंबाई और चौड़ाई में ड्रॉ करना है। लंबाई में जितने बॉक्सेस हैं और चौड़ाई में जितने बॉक्सेस हैं उनको हमको ड्रॉ करना है। तो जिस तरह ग्रिड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसी तरह हमको नंबर अपने पेपर पर भी लिखना होगा ग्रिड के अंदर। तो A1, A0, A2, A3, A4, A5 और इस तरह से। तो ग्रिड में मैंने नंबरिंग कर दी है और नंबर्स को ही आधार मानते हुए हमको अपने पोर्शंस को बनाने हैं पर सेल में। ग्रिड के सभी सेल्स में हमको पर्टिकुलर जितना एरिया हमारे ड्राइंग का आ रहा है, देखिए इस तरह से, उतने एरिया को हमें सेल टू सेल ड्रॉ करते जाना है। तो देखिए, जिस सेल में आपके पिक्चर का जितना पोर्शन आ रहा है उसको उसी सेल में आपको ड्रॉ करते जाना है इस तरह से, जिससे कि आपकी ड्राइंग परफेक्ट बने बिल्कुल। तो ग्रिड टेक्निक से आप अपने ड्राइंग को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं, इसलिए ग्रिड टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जनरली पोर्ट्रेट ड्राइंग में ग्रिड टेक्निक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट में हर चीज़ आपको एक्यूरेट और परफेक्ट बनानी पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रिड टेक्निक का पोर्ट्रेट ड्राइंग में होता है। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने रेफरेंस पिक्चर को ग्रिड के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी अपने ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो हर एक ड्राइंग को या पोर्ट्रेट को आप ग्रिड टेक्निक से बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका ड्राइंग काफ़ी परफेक्ट बनेगा। अगर आप ग्रिड टेक्निक का यूज़ करके ड्राइंग बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन आपके ड्राइंग में आने वाली है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ग्रिड टेक्निक से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब ग्रिड में आप ड्राइंग कर लेते हैं तब उसकी डिटेलिंग शुरू कर दीजिए। एक बार आपने परफेक्ट ड्राइंग अचीव कर लिया है तब उसकी डिटेलिंग आप कर सकते हैं अपने तरीके से। ग्रिड टेक्निक से ड्राइंग करना बहुत ही आसान है और इससे एक अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। शुरू में आपको काफ़ी बोरिंग लग सकती है और टाइम टेकिंग भी लग सकता है ग्रिड टेक्निक, लेकिन आपको एक अच्छा रिजल्ट पाना है और आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट लानी है तो आपको ग्रिड टेक्निक का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होगा। जब आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे आप अपनी ड्राइंग को कर पाते हैं तब ग्रिड मेथड के अलावा आप फ्री हैंड ड्राइंग भी शुरू कर सकते हैं। और फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाएंगे तो उसमें भी परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी ड्राइंग कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे आपको जो ग्रिड के लाइंस हैं उनको मिटाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, मैंने अभी एक रेफरेंस लेकर यह ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। तो इसी तरह आप भी बनाते रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। सो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि मैं और ट्यूटोरियल वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।